गुड मॉर्निंग। ये क्लास 12 यूनिट 2 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो इसके आंसर में आपको मैं बता दूं कि इसमें एक 6 या 4 मीटर या 10 मीटर एक मैंगनीन या कांस्टेंट का वायर होता है और इस वायर में आप बैटरी इस तरह से कनेक्ट होता है और यहाँ पर की ये बैटरी होगी और ये की और ये रियोस्टेट RH, इस तरह से ये कनेक्ट रहता है और जिस सेल का EMF फाइंड करना होता है उसे आप इसी A एंड से कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर एक और की लगाते हैं आप और ये गैल्वेनोमीटर जी और यहाँ पर आपका ये जॉकी जी और इस तरह से ये सेल ई है और इसी को EMF आप सेल इसका फाइंड कर सकते हैं आप, ये बैटरी और इसको आप हाई पोटेंशियल एंड कह रहे हैं, इसे लो पोटेंशियल एंड कहा जाता है। अब ये सर्किट इस तरह जब क्लोज किया जाता है पूरा कंप्लीटली तो इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद EMF ऑफ सेल मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ एल। EMF ऑफ सेल इज ई ऑन जीरो डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। जैसे यहाँ जीरो डिफ्लेक्शन आता है आप पहले बैटरी सर्किट इस तरह बनाते हैं और इस सेल का EMF फाइंड करना होता है तो जब करंट सप्लाई होता है और जॉकी को इससे 4 मीटर या 6 मीटर या 10 मीटर लॉन्ग वायर में जब चलाया जाता है, ड्राइव किया जाता है तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन होता है और उस कंडीशन में ये बैलेंसिंग लेंथ प्राप्त कर ली जाती है। तो इस तरह से ये प्राप्त होता है और हम यहाँ पर लिख सकते हैं EMF ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ। EMF ऑफ सेल इज डिनोटेड बाय E प्रोपोर्शनल और बैलेंसिंग लेंथ इज L। सो E इक्वल रो L, रो इज कांस्टेंट वेयर रो इक्वल V अपॉन L, इट इज पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B ऑन यूनिट लेंथ
is called potential drop. It is also called gradient of potential. This is important principle. Next video में आपको मैं इससे related एक question जो कि cell का internal resistance find करते हैं उसका derivation कराऊंगा. How do you like my this video? सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.